64 रुपए। 18 रुपए पहले के भी ले लो। अरे बाबा, पैसे का इतना टेंशन मत लिया करो, इसे तुम अपनी ही दुकान समझो। जी, अभी देखो ये दुकान में कितने सारे लोगों से मिलना जुलना रहता है। हाँ। लेकिन तुमको देखती हूँ बहुत अच्छा लगता है। अरे। 2 दिन पहले एक कस्टमर ये सिगरेट का डब्बा छोड़ के गया था। तुम वहाँ पर इसको है? हंसा बहन, हम सिगरेट नहीं पीते हैं। जय श्री कृष्ण। अच्छा, सिगरेट नहीं पीता? दैनिक चलेगा, दैनिक फिट स्कूट आगे बढ़ेगा, बाइक फिट हेलमेट। सर कैडेट्स, विश्राम, आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा। आत्मबल, आत्मसम्मान, आत्मरक्षा। हमारा कर्म, हमारा लक्ष्य है सुरक्षा। हमारा कर्म, हमारा लक्ष्य है सुरक्षा। नियम और अनुशासन का पालन करते हुए हमें अपनी सेवाएं करनी है। आपके मन में सच्ची सेवा की भावना आपको एक अच्छा सुरक्षा कर्मी बनने में मदद करेगी। सर, ये लल्लन प्रसाद हैं, आपकी यूनिट को ये मॉनिटर करेंगे। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो इनसे डिस्कस कर सकते हैं। सर, परिचय, ओमकार जांगले, भुसावल, डिस्ट्रिक्ट जलगांव। किसी मजबूरी में पहननी पड़ी है वर्दी तुम्हें? नहीं सर। तो चेहरे पर इतनी मलाल क्यों? खुशी दिखनी चाहिए, मुस्कुराओ। देख लो देवानंद छुपे हुए अंदर, पहचान लो। दिन में कितने पैकेट गुटखा खा जाते हैं आप? गुटखा नहीं खाता हूं सर। ये क्या है? ये संजीवनी बूटी है? सिगरेट, बीड़ी, गुटखा, शराब, सर को किसी भी नशे से बहुत चिढ़ है। और एक बात तो आपको समझनी चाहिए कि अब आप जिस काम से जुड़े हैं उसमें नशे की नहीं होश की जरूरत है। समझ गए? यस सर। स्कॉट साहब, थर्ड। क्या बात है लल्लन, बहुत खुश दिखाई दे रहे हो। सरोजा से बात करके आए हो क्या? अच्छा अच्छा। यस सर। वो सर बात हो गई है और वो बहुत खुश थी। उसका मैथ का पेपर बहुत अच्छा हो गया है और उसका क्रेडिट भी मुझे ही दिया है सर। कह रही थी लल्लन तुमने कहा था अच्छा होगा, हो गया। सरोजा की भी कुछ बातें सर। होता है, होता है। प्रेम के तार जिससे जुड़े होते हैं ना, उसकी हर बात, हर अदा अलग है दिखती है। बस सर, अब आप कुछ करिए और जल्दी से मेरा प्रमोशन कर दीजिए। कांदीवली में रूम देख रखा है, एक बार रूम हो जाए तो फिर। हो जाएगा, हो जाएगा, प्रोसेस में है। थैंक यू सर। एक मिनट प्लीज सर, गाड़ी बाहर लगाइए। 10 मिनट का काम है, जाके वापस आ रहा हूँ मैं। सॉरी सर, बाहर की गाड़ी अलाउड नहीं है। जाके आ रहा हूँ ना वापस यार, समझता नहीं क्या तुम? 10 मिनट में जाके वापस आ रहा हूँ, समझ में नहीं आ रहा तुमको? इसमें समझने ना समझने कोई बात नहीं है, सोसाइटी का ऑर्डर है। आप गाड़ी बाहर ले लीजिए, हम असुविधा के लिए क्षमा चाहते हैं। कमाल है यार, कमाल है। क्या नियम है, तुमको तो पुलिस में होना चाहिए, पुलिस कमिश्नर बन जाओ जाके। ये देखिए, ये गाड़ी को हवाई जहाज समझते हैं। पिताजी ने चलाने के लिए दी है, ये उड़ा रहे हैं। तुम सिंह साहब से बात कर लो, फिर हमें बताओ। अरे भाई, अब तो तुम हमको पहचानते हो ना, फिर? बरोबर है, पर तुमको इधर एंट्री करना है अभी। अरे क्या रोज रोज तुम यहाँ खड़ा कर देता है, एंट्री दो एंट्री दो। इतने टाइम से मैं यहाँ अंडे दे रहा हूँ। एक मिनट, आप अंडे देते हैं, आप अंडे देते रहिए, इससे हमें कोई असुविधा नहीं है। लेकिन आप यहाँ साइन कर दीजिए। अरे और सुनो, दोबारा ऐसा मौका आया ना तो दुनिया में कहीं भी अंडे दोगे, कम से कम यहाँ तो नहीं दोगे। साइन करो इधर। सुनो बच्चों, सुनो मेरी बात, सुनो। देखो आज कोई भी मस्ती लिफ्ट मत करना, बहुत व्यस्तता है बेटा, समझ रहे हो? निखिल तुम कैप्टन हो, तुम पूरी टीम संभाल के रखो। अच्छे से जाओ, ठीक है? आज मैं कैप्टन, कोई मस्ती नहीं करेगा।
आराम से जाओ और लिफ्ट रोक के मत रखना, लिफ्ट रोक के मत रखना, ओके? 703 तो बराबर है, पर उनका नाम तो बताओ। नाम तो हम भूल गए, अजमेर शरीफ आए थे, बाल बच्चों के साथ आए थे, बहुत अच्छे इंसान हैं और हमसे कहा था कि बम्बई आना तो हमसे मिल लेना। हम बम्बई आए तो सोचा चलो उनसे मिलने, 703 में रहते हैं। 703 तो हम समझ गए, पर ये तो बताओ नाम क्या है उनका? नाम ही तो हम भूल गए हैं, अजमेर शरीफ आए थे बाल बच्चों के साथ। उनका नाम आपको याद नहीं है? नहीं, अजमेर शरीफ आए थे बाल बच्चों के साथ आए थे, बहुत अच्छे इंसान है। आपको अपना नाम याद है? हाँ हाँ हमको याद है। क्या नाम है आपका? जी गुमराह चिश्ती। गुमराह चिश्ती, 703 फोन करो, बोलो गुमराह साहब आए हैं, अजमेर से बोल देना। हाँ? नहीं नहीं ठीक है ठीक है। हाँ हाँ शूटिंग है भाई, चलो चलो। अजीम अजीम, अरे चलो ना भैया यार, अरे परेशानी मत। हाँ 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 ऑटोग्राफ भी दिला देंगे। अरे गाड़ी आई, गाड़ी एक मिनट, गाड़ी आने दो, गाड़ी आने दो, पहले गाड़ी आने दो। रंजीत सर बोलिए, क्या हाल चाल? हाँ मैं बस अभी आया हूँ। थोड़ा थोड़ा पीछा दो, हाँ बात हुई थी मेरी, मैं करता हूँ फोन, टेंशन मत लीजिए यार। ट्रैक्शन से किसी को बुलाओ। अरे एक मिनट, एक मिनट पेन दो यार। अरे आराम से पेन दो, पैड दो। नाम क्या है? बिल्लो, बिल्लो द ग्रेट। कितनी दीवानगी है लोगों में इस लड़के के लिए। एक फिल्म रिलीज हुई, देखो कहां से कहां। तुम क्या सोच रहे हो? आज मन बहुत छोटा हो गया हमारा। क्यों? वर्दी और डंडा हमारे पास भी है लेकिन लोग हमें कुछ समझते ही नहीं। भीड़ को हटाने की कितनी कोशिशें की मगर नहीं। और एक हवलदार आया और उसके आते ही सब तितर बितर हो गए। इसमें मन छोटा करने वाली कौन सी बात है? देखो लोग हमारे काम को कैसे लेते हैं हमारे लिए ये सोचना जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि हम अपने काम को कैसे लेते हैं। हमारा काम छोटा कैसे हुआ? अरे हम पूरी रात जगते हैं तभी तो ये बिल्डिंगों के लोग सो पाते हैं। अभी यहाँ कोई घटना या वारदात हो जाए तो पहले हम निपटेंगे, पुलिस तो बाद में आएगी ना। चाय पियो। या मी गणेश विठ्ठलराव चौगुले, आमचे परम मित्र लल्लन प्रसाद प्रजापती यांचे सरकार मान्य देसी दारू केंद्र सहर्ष स्वागत करीत आहे। अच्छा मतलब एक क्वार्टर हो चुका है? नहीं नहीं अभी तो स्टार्ट किया है। सकल से तो नहीं लग रहा है, कह रहे हो तो ठीक है। गणेश तुम्हें हमसे बात करने के लिए यही जगह यही माहौल मिलता है, हम कहीं और नहीं मिल सकते हैं क्या? अरे जगह क्या है मालूम है? अंदर घुसते आदमी के दिमाग का ढक्कन खुल जाता है, पूरी दुनिया लाइफ एकदम समझ में आने लगती है। क्यों अंकल, बरोबर के नहीं? एकदम बरोबर, एकदम टकाटक। तुझे नहीं लगता ऐसा? भाई हमें तो ऐसा नहीं लगता है, शायद हमारे मन में तुम जैसी श्रद्धा नहीं है। चल छोड़ यार, तू एप्पल खा। बोल तेरी सरोजा से बात हुई कि नहीं? हाँ बात तो हुई है। हाँ बात हुई है, क्या हुई? उधर का मौसम कैसा है, खाना हुआ कि नहीं, पढ़ाई लिखाई कैसे चल रही है? यार तेरी लव स्टोरी पहले गियर पे अटक के बैठी है। बोल डाल, लड़की को दिल के बात बोलने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। देखो गणेश, हम यहाँ इस टॉपिक पे और बात ना करें तो अच्छा है। देख लल्लन, तेरी बहुत फिक्र रहती है। अबे मेरे को नहीं, मेरी बुड्ढी को। तू शादी कब कर रहा है? साल लपड़ तुझ लग्न तुझ तरी माद डोका खाता। माँ से कहना उनकी ख्वाहिश बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। कर डाल यार जल्दी शादी। बीबी को लेके आया इधर, 2-4 साल में 10-12 बच्चे छाप डाल। लोक संख्या वाढ़ गरजेच है रे मुंबई की। मुंबई में आबादी नहीं, पब्लिक ही नहीं साला। साला मैं तो मस्करी कर रहा था, तू तो फोकट में एकदम। तो ये मस्करी क्या हम भैया लोग नहीं कर सकते? ए अंकल, हमारी दोस्ती का किस्सा बता जी भैया। अच्छा? मालूम है कैसे स्टार्ट हुआ था? कैसे?
रिक्शा पीछे लो, चलो पीछे लो। अरे लेता ना, रुकना दो मिनट। एक बार बताया ना, पीछे लो, पीछे लो। अरे क्या यार आये क्या तू? अरे धक्का कहाँ है मारा इसको? ए तेरा क्या है रे, तू कौन है इसका? मैं इसका कोई भी हूँ, लेकिन इसने जो वर्दी पहन रखी ना उसकी अपनी एक इज्जत है। ए, 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 कोई बीच में नहीं आएगा, मी बक तो या भैया 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 पटक दिखा हम। ए, चुप रहे, इस मराठा को तो हम देखते हैं। आ भैया। ए टमकड़े कुंडलनी दा, इसमें तुम हिल नहीं सकते, पड़े रहो। हे भैया, अरे यार तेरी इज्जत तो बच गई, तूने पटका ना मेरे को, अब मेरे को भी पटकन देने यार, मेरी भी इज्जत बच जाएंगी। अच्छा, हर दोस्त बन जाएंगे ना अपुन। हाँ तो पटक ले। मतलब अनमोल, कीमती कीमती हीरा, ढपोर शंख, मुझे मतलब समझदार, ज्ञानी ज्ञानी महापुरुष।